साइड पे ले जाओ। हमारे में शक्ल तो नजर आनी चाहिए, मैं ड्राइविंग करती कितनी अच्छी लग रही हूँ, पकड़ के मेरी शक्ल शूट करें। मेरे मैंने जरा सा एक पैर रखा रहा नहीं, की जोश जान निकल जानी है। बच्चा साथ है, मेहरबानी। अच्छा मुझे ये बताओ कौन सा गियर लगा हुआ है, मैं देख के बताऊँ। तीसरा देख के बताऊँ। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू डेली डायरी जिम्मेदारियाँ। बहुत बहुत वेलकम आप सबका एक नए और एक ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। शाम का टाइम हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को आपको मिल रहा है। बाकी सारी बातें छोड़ें, लेकिन मेरे घर की जो सीनरी है ना वो बड़ी प्यारी देखने को मिलती है। सही रिफ्रेशिंग वाला माहौल बना होता है बाहर निकल के, और बस यही जो रिफ्रेशिंग एयर है ये लेने के लिए मैं बाहर आई थी। शक्ल से पता लग रहा होगा कॉलेज से वापस आ गई हूँ, और आके सो के कोई मैं कहती हूँ कि बस हो गई है, आँखें सूज गई हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। बॉडी इतनी लेथार्जिक हुई हुई थी, और ज़ुकाम बुखार और हल्का हल्का गला ख़राब हुआ हुआ है मेरा, तो हिल के देखने को दिल नहीं कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा लेट लिया, रेस्ट कर लिया, फिर ज़रा शाम हुई है तो ख्याल आया कि नहीं भी उठे, शाम हो गया, खाना बनाना है। ऐसा होता है ना कि बार बार से बाहर से खा के आपका कुछ बाहर से भी खाने को फिर दिल नहीं करता, फिर आपने खाना तो बनाना ही होता है जैसे भी करके। और आज मेरा वही खाने को दिल कर रहा है, क्योंकि हल्की फुल्की दाल हो, सब्ज़ी हो, शोरबे वाला सालन हो, घर पर कुछ ऐसा बना लेते हैं कि बाहर से ऑर्डर कर करके भी बंदा थक जाता है, फिर कुछ दिल नहीं कर रहा होता। हालांकि आज मूड मेरा नहीं है और तबीयत भी मेरी साथ नहीं दे रही, इसलिए मैं ज़रा बाहर आई थी कि चले भी थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं और ज़रा फ्रेश एयर लेकर आते हैं फॉर सम टाइम, और अपना मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई केम आउट। और ये देखिए माशाल्लाह बड़ा प्यारा व्यू था, और तकरीबन मैंने यहाँ पे ये मेरा टिड्डा सा मेरे साथ आ गया, ये हमेशा से मेरे साथ कंपल्सरी ही है। इतना कोई कुछ शक्ल हुई भी ना यार आपकी, कोई 10 दिन हो गए इसका ज़ुकाम ख़त्म नहीं हो रहा, हर टोटका करके देख लिया मैंने, इसको दवाई दे के देख लिया, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। दिन में कोई 20 दफ़ा इसका मूड होता है, 2 से 3 दफ़ा नहाता है, और फिर कोई कुछ जैसा मुँह बना के आ जाता है। गजब बेइज्जती है, टिड्डा सा, क्या बात है भाई। अम्मा जान के तो अब्बा जान के जो नखरे हैं सो हैं, जो इसके नखरे होते हैं खाने पीने में, मतलब एक अलहदा से एफर्ट होती है जो मुझे इसके खाने के लिए करनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि अपनी औलाद के लिए, उनके खाना बनाने के ऊपर आपको अच्छी खासी मेहनत कर लेनी चाहिए। और इसकी आदत है कि मैं इसको जब अलहदा बैठ के तवज्जो से कोई 10-15 मिनट लगा के और स्क्रीन टाइम दे के माशाल्लाह से, हालांकि मुझे पता है बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है ये, लेकिन ये अपने अब्बा जान के ऊपर गए हैं कि जब तक स्क्रीन पर कुछ प्ले नहीं होगा, लगा नहीं होगा, खाना मासूफ के गले के नीचे उतरेगा नहीं वाला। तो खैर अब इसके खाने का भी कुछ बनाना है। अपने खाने के बनाने के लिए मैंने जो है सोचा था कि आज आलू गोश्त बना लेते हैं, अपने बीफ गोश्त। तो चिकन तो ऑब्वियस सी बात है कि अब बनना नहीं है, वो भी गला चला ख़राब था, कमज़ोरियाँ हुई हुई थी, हमने कहा ज़रा कुछ टकोर हो जाएगी गले की, ज़रा आराम आ जाएगा। तो मैंने भी फिर बड़ा कहते आदम शांति शांति बहुत प्यार से एग्री कर लिया कि चले भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या याद करेंगे, वो खुश के खुश हो जाएंगे, हम भी खा पी लेंगे, गले की भी ज़रा टकोर हो जाएगी। तो बस वही हिम्मत पैदा करने के लिए मैं आई हूँ, और ये बड़ा खुला सा माहौल आपको अक्सर ही मेरे व्लॉग्स में सरगर्मियों में शाम को देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए निकल आते होते हैं, होता आता जाता है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो हम लोग बड़ी आज़ादी से यहाँ पे निकल आते होते हैं। आज ज़रा हवा भी ठंडी चल रही थी, फ्रेश एयर थी, तो मैं ज़रा फ्रेश हो गई हूँ। अब घर चलना है, जाके पहले आलू गोश्त बनाना है। दिल मेरा नहीं कर रहा, दिल मेरा कर रहा है कि मुझे कहीं घूमने के लिए ले जाए, कहीं चलें हम आज। नहीं मूड नहीं हो रहा मेरा, किचन में तो मैं चली जाऊंगी, मुझे पता है आप इतने अच्छे नहीं है कि आज मेरे कहने पे आप खाना बना दें, खाना मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। प्यारी समझ गई। हाँ जी मुझे पता है, अयान कह रहा है मैंने आज बाबा के हाथ का बना खाना खाना है। अयान से बाबा आज खाना आप बनाएंगे। रोज रोज ये तरकीबें काम नहीं आती, बनाना ही पड़ेगा। तो चले खैर है, कोई बात नहीं, अब मैं समहाउ फ्रेश हो गई हूँ, अब मैं ज़रा घर के काम शाम को ध्यान दूँ, थोड़े काम कर लेते हैं, क्योंकि अब वापस वही रूटीन आ गई है हमारी। लौट के बुद्धू घर को आए, छुट्टियाँ मुक गई हैं मुर्शद, बाकी सारे वही रोज़ के शाम के रूटीन के काम। गर्मियों के दिन बड़े हो गए हैं, कोई रज के भूख लगी हुई होती है आपको। चले भाई घर चलते हैं, काम निपटाते हैं अपने। चले जी खाना हमारा बीच में ही रह गया है, और हमारा बाहर जाने का मूड बन गया है। हस्बैंड जनाब सब मान गए हैं कि चलते हैं जाके आइसक्रीम खाते हैं, तो चले भाई हम लोग भी चलते हैं और आइसक्रीम खा कर आते हैं। सडन प्लान्स आर ऑलवेज द बेस्ट प्लान।
मूड खुशगवार हो जाता है ना एकदम से, आपको सरप्राइज मिलता है। तो चाबियां कहाँ हैं इसकी? चाबियां चल, चाबी अभी नहीं लेकर जाते, इनकी बाइक के की है, बाइक का जैसे क्या हाल है। चल जी लॉक लगाते हैं। चल मौसम अभी भी बड़ा प्यारा है, मुझे तो सीनरी वैसे बड़ी अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बार बार चल ये लें चाबी। बाय। किसको बाय कर रहे हो? इतना एक्साइटेड हो? चले गाड़ी पहुंच गए अपने फेवरेट आइसक्रीम के पॉइंट के ऊपर। हाँ जी पहुंच गए हम अपने सबसे फेवरेट आइसक्रीम पॉइंट के अंदर। पिछले वीडियो पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अजवा आइसक्रीम, मैंने भी, हमें अजवा वालों की इतनी पसंद नहीं है, हम इनकी आइसक्रीम ज्यादा शौक से खाते हैं। नकीबी आइसक्रीम शॉप के नाम से इनका स्टॉल है। A few moments later. आ गई आइसक्रीम हमारी, आ गई। वैसे खिलाई किस खुशी में आपने? इतने मेहरबान आप हैं तो नहीं। गाड़ी आज आपके नाम करवा दी है। झूठ बोल रहे, आपने मेरे नाम करवाई है? झूठ, मैं नहीं मान सकती, मुझे लगता है झूठ बोल रहे हैं, इतने अच्छे है नहीं आप वैसे। इसका मतलब है मैं अपनी मर्जी से इसको जहाँ मर्जी लेके जा सकती हूँ। तो फिर आज शुरुआत कर लेते हैं। जबार भाई आज गाड़ी मेरे नाम पे हुई है, ड्राइविंग करती हूँ आज मैं। हमने घर जाना है, जन्नत में नहीं जाना। आज आज इस खुशी में आइसक्रीम लेना होनी चाहिए, ड्राइविंग भी होनी चाहिए। पहली टेस्ट ड्राइव मेरी आज होगी हमारे, ठीक है? सही है, बोले बोले बोले। हमने घर जाना है, जन्नत में नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आइसक्रीम नहीं होगी आज, हम आप गाड़ी मेरे नाम पे होगी, इस खुशी में आज टेस्ट ड्राइव भी होगी और मैं गाड़ी ड्राइव करूँगी पहली दफ़ा। आइसक्रीम खा के हम लोग इंशाल्लाह ड्राइव करते हैं। आइसक्रीम हमने खा ली है, अब हम लोग खाली सी रोड देखने जा रहे हैं जहाँ पे आज मैं अपनी पहली टेस्ट ड्राइव। आप देखना मार, मैं इतनी जल्दी ड्राइविंग सीख लूँगी आपको बड़ी ईद पे मैं लेके जाऊँगी तोबा। जन्नत में नहीं, तोबा लेके जाऊँगी, देखना बहुत स्मूथ ड्राइव करूँगी मैं। लहदा बात है, बाकी सारा कुछ हो जाता है, मुझे बस गियर्स की समझ नहीं आती है कि गियर्स कब शिफ्ट करने आगे पीछे। सीख लूँगी आहिस्ता आहिस्ता वो भी। चले भैया देखते हैं आज बाकी बहन गाड़ी कैसे चलाती है। नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मैं कर लूंगी मार। इसी कैसे एडजस्ट करनी है बस ये बता दो। मैं यहाँ से होनी, ये इसको ऊपर करेंगे, आगे करेंगे, आगे हो जाए। इधर क्या है? हाँ ऐसे बस ये देखिए, इतना वक्फा रहने दो कि मैं ब्रेक लगा लूँ। नहीं मेरी बात सुन, एक मिनट थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ड्राइविंग विद मारिया के अंदर आप लोग की आज पहली क्लास है। यार इधर हटो। चले सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वेरी बेसिक रूल, नीचे आपके तीन पैडल होते हैं, ए बी सी सीखनी है बस। ए फॉर एक्सेलरेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। हमारे मतलब आपको मत, ये आपका गियर होता है, वैसे मुझे याद नहीं है कभी कि कैसे चेंज होता है, लेकिन ये दरमियान में न्यूट्रल है जब ये दोनों साइड पे हिल नहीं रहा है, ठीक है? इसको आगे पीछे कर दूं गाड़ी चलेगी तो नहीं ना बेटा, सबर कर लो, जन्नत में नहीं जाना, ये पकड़े जब बार बार बात सुनो मेरी, उसे आराम से दबाओ, क्लच दबा दिया, फुल दबा दिया, दबा दो फुल, अभी नहीं अपना फुल होगा, कुछ उसे फुल करें कुछ, नहीं कर दिया मारिया, रेस पे पाँव ज्यादा नहीं देना। आयान बेटा हमारे आयान को देखिए, पकड़िएगा एक मिनट, एक मिनट ठहर जा, मैंने तो अभी ग्रेट आयान को आप पकड़ लेना। हाँ क्लच दबाओ, फुल दबा दिया, तो सबसे पहले इसको अपना नीचे करें ना, इसको गियर लगा दिया, उठाई ना पैर, पैर ना उठाई, ये हैंड ब्रेक, ये स्टीयरिंग सीधा है ना मारिया, सीधा है, आराम से आराम से आराम से, मुझे कंफ्यूज मत करें।
रेस से पांव उठाओ, ये चल ही नहीं रहा यार। गियर लगा है, ये पांव नहीं उठा रहे। और नहीं, मुझे पता लगी मैं ब्रेक दबा रही थी। दरमियान में ब्रेक होती है ना। हाँ ब्रेक। एक मिनट, चुप करें आप। एक्सेलरेटर, क्लच दबाओ, ठहर जाओ, क्लच दबा दिया। आहिस्ता, बच्चा साथ है। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, रियान सबर सबर। मारिया क्लच से पांव उठाओ। उठा रही उठा रही। आहिस्ता 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 आहिस्ता, बस इतनी ही जाने दो। चल पड़ी चल पड़ी। एक मिनट, क्लच दबा क्लच दबा क्लच दबा। दबा दिया दबा दिया। अब क्या कर रहे हो? सबर कर लो, बस को जाने दो। मैंने आपको मेरे पे यकीन नहीं है, मैंने ले जानी थी, मेरी गोद में बच्चा ले जानी थी, वाकई बस के नहीं चल रहा ट्रक। देखने दो ना। सबर, गियर चेंज नहीं, दबाओ क्लच। अभी रहने, फुल दबा दिया। रेस पे से पांव उठाओ। रेस पे क्यों पांव रखा हुआ? उठा दिया, क्लच दबाया। हाँ, गियर लगाओ, पहला गियर लगाओ। आराम आराम, मुझे बताना नहीं है। आराम आराम से जाने दो, ठीक है। चलो रेस थोड़ी सी पुश करो, क्लच से थोड़ा सा पैर उठाओ। आहिस्ता 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 गियर लगाए दूसरा, गियर लगाओ दूसरा, क्लच दबा के दूसरा गियर। देखे तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा, माशाल्लाह चौथे में गुंज। 20 भी स्पीड नहीं है मेरी, हमारे बाप ने मुझे कंफ्यूज किया। वेरी गुड, चल गई जी, चल गई, चल गई, चल पड़ी ना। हमार नहीं खेला। हां जी, इसका स्टीयरिंग अच्छा है। उसने जो गाड़ी थी उसका स्टीयरिंग अच्छा नहीं था, ठीक है। ये स्टीयरिंग सीधा है, देखो सीधा है, पता लगता है कि गाड़ी सीधी जा रही है। आगे से मैं मोड़ूंगी, आपने कुछ नहीं कहना। हां जी, थोड़ी सी मोड़ के देखो, थोड़ी सी मोड़ो, जरा गाड़ी कितना मोड़ती है आपको अंदाजा हो? नहीं अभी नहीं, आपको अंदाजा हो जाएगा ना कितना आगे पूरी। मैं बताऊंगी मैं बताऊंगी। अभी सही किया ना मैंने? हाँ सही। ये देखो ये गाड़ी अच्छी है ना, ये सीखी जा सकती है। गियर चेंज कर, गियर बदल। कौन सा लगाना है? तीसरा। तीसरा वो कैसे लगता है? वो ऊपर लगता है, गियर की तरफ देख के। पांच कौन सा लगाया मैंने? पांच तीसरा लग गया, लग गया तीसरा तीसरा। आप लोग मजाक ना करो। आहिस्ता आहिस्ता, 20 से ऊपर 20 भी नहीं जा रही मैं स्पीड पे। नहीं नहीं, बहुत तेज जा रही हो, बहुत तेज जा रही हो। वेरी गुड, थोड़ा सा इस तरफ को रखो, उधर से ट्रक वगैरह इस तरफ को रखो। जाने दो, डरो ना, जाने दो। आहिस्ता आहिस्ता, जोश नहीं खाना बच्चा साहब, जोश नहीं खाना। ये तो काम ही बड़ा मजेदार है। क्लच से पांव उठा लो। उठा लिया बाबा, क्लिप चेंज थोड़ी साइड पे ले लो। हमार में शक्ल तो नजर आनी चाहिए, मैं ड्राइविंग करती कितनी अच्छी लग रही हूँ। पकड़ के मेरी शक्ल शूट करें, मेरे पे थोड़ा सा तो भरोसा करें मुझे। ये जनाब मेरी बेगम बहुत ही तेज ड्राइव कर रही है। तेज मैंने जरा सा पैर रखा ना, नहीं, जोश नहीं खाना, बच्चा साथ है, मेहरबानी। मैं ये देखो उसके साथ मैंने कभी ऐसी गाड़ी चलाई थी। 120 की स्पीड पे तबड़ तोड़। अच्छा? ये जनाब नहीं हो, नहीं तेज नहीं करना, नहीं 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 बताया ना। मेहरबानी, ब्रेक का पता नहीं है, क्लच दबा दोगी ब्रेक। ये देखिए ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है, ये देखिए उधर उसके ऊपर पता ही नहीं लगता था। अच्छा मुझे ये बताओ कौन सा गियर लगा हुआ है? मैं देख के बताऊं, तीसरा। हाँ, देख के बताऊं। नहीं एक काम मुझे नहीं आता, सिर्फ गियर की जो इंटरचेंज होती है उसका मुझे। अच्छा चलो रोको रोको रोको, बस बार बार मैं जल्दी सीख जाऊंगी। ओके इंशाल्लाह जी। अब मैंने क्या करना है, इधर दबा के ब्रेक, क्लच दबाओ क्लच दबाओ क्लच दबाओ दबाओ ब्रेक, पूरी दबा, ब्रेक लगा दो, गियर निकाले। देखिए ब्रेक, गियर निकाले ऐसे। चले जी पीछे, बड़ी जल्दी सीख जाऊंगी मैं। पहली ड्राइव बड़ी अच्छी गई है मेरी भाई। आप किसका? चलो भाई चले जी, घर आ गए हम लोग। और माशाल्लाह पहला एक्सपीरियंस मेरा ड्राइव का बड़ा अच्छा गया है।
और इंशाल्लाह बहन ने अब एक नया अहद कर लिया अपने आप से कि बड़ी ईद से पहले पहले मैंने गाड़ी जो है वो लाजमी तौर पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए, मैं जल्दी सीख जाऊंगी जब्बार भाई, मैं जल्दी सीख जाऊंगी, बिल्कुल मेरी ड्राइविंग स्मूथ है, वो गाड़ी उसकी ठीक नहीं थी जो मुझे पहले से पता था। बड़ी ईद पे टोबा आपको मैं लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह। घर आ गए, खैर हंसी मजाक भी सारा चलता रह गया, बैक टू द रूटीन, बैक टू द किचन, किचन चलते हैं, रोटी शोटी बनानी है, भूख भी लगी हुई है, चले भी। 2000 years later. हाँ जी, तो हमारा रोटी पानी का सीन जो है वो चलता रहेगा, थोड़ी मौज मस्ती होगी, अच्छी बातें होगी, और अनएक्सपेक्टेड जो सडन प्लान होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। अभी आते वक्त सबसे पहले साथ अयान को सुलाया, उसके बाद मैंने बस गोश्त को गलने के लिए रखा है, गोश्त इज ऑलमोस्ट डन, इसके अंदर मैं आलू डालूंगी, इसको 5 मिनट लगाऊंगी, उसके बाद मसालों को भूनने का काम रह जाता है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा काम हो ही गया है। तो आप सबने व्लॉग देखा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको सब्सक्राइब करवाएं। भी मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली थोड़ा तो मेरे साथ होने का सबूत दे ना, कि मतलब मैं चाहती हूँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आगे की जर्नी तो जो अल्लाह पाक को मंजूर है वो होना ही है, लेकिन एटलीस्ट ये जो माइलस्टोन है ये तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। तो एनीवे दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग के अंदर, मोर एक्साइटिंग, एक सरप्राइज भी आप सब लोगों के लिए, क्योंकि हमारे का बर्थडे आ रहा है, तो कोई सरप्राइज इंशाल्लाह उनके लिए प्लान करेंगे, वेट कीजिएगा नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।